हेलो फ्रेंड, तो ये देखिए मैंने चारपाई पे दरी बनाई है। इस तरह ये दोनों तरफ मैंने चारपाई पे दरी बनाई है, ये बनाई है इस तरफ, और ऐसे ही मैंने ये दूसरी तरफ भी बनाई है। ये एक ही दरी है, ये दोनों तरफ हमें बनानी होती है। जब हमारी एक दरी पूरी तैयार होती है तो इस तरह अब मैं चारपाई में से इसे निकाल के दिखा रही हूँ, इसे चारपाई में से कैसे निकालते हैं। तो ऐसे इसे काट लेते हैं और ये रस्सियाँ भी बचा के काटते हैं। तो ये देखिए हमारी पूरी दरी निकल गई है। इस तरह चारपाई में से दरी निकल जाती है। तो अगर आप इस तरह दरी बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरी पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए और ये दरी बनाना सीखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी अच्छे से दरी बनाना सीख लें। अब मैं इस चारपाई को उठाकर एक तरफ रख देती हूँ और फिर इस दरी को उठाएंगे और इस चारपाई पे बिछाएंगे। तो ये देखिए हमारी दरी बन गई है, ऐसे हमारी दरी बनकर तैयार हो जाती है। अब देखिए अब हम चारपाई पे बिछा लेते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी दरी हमारी बनी है। ऐसे दरी बनाएं तो ऐसे ही ये दरी हमारी दोनों तरफ बनती है। इधर भी ऐसे ही बनी है, दोनों तरफ एक जैसी दरी बनती है। किधर से भी बिछा सकते हैं। और देखिए एकदम सफाई से बनी है दरी, कहीं कोई कपड़ा भी इधर उधर नहीं निकल रहा है। इस तरह हमारी दरी एक साफ़ सुथरी दरी बन जाती है। तो ये देखिए अब इसके मैं ये छोर बांध देती हूँ ताकि यहाँ से ये फिर खुलेगी नहीं। ऐसे दो पट्टी लेके एक दूसरे में बांधेंगे, ऐसे गीट लगा देंगे। इसी तरह ये दरी के छोर बांधेंगे। तो ये देखिए अब मैं इसे बिन कर दिखा देती हूँ कि मैंने दरी कैसे बिनी है। ये मैंने इस तरह दरी बिनी है। फटे पुराने कपड़ों से इस तरह अच्छी सी दरी बनाइए और आपके बेकार फटे पुराने कपड़े भी काम में आ जाएंगे। और इस तरह एक अच्छे कलर की दरी बन जाती है। हमारे घर पे ऐसे बेकार पड़े रहते हैं कपड़े, वो भी काम में आ जाते हैं। तो इस तरह हमारी दरी बनकर तैयार हो जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।